Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन घोष फिर प्रेजेंट हो गया. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ये कह रहे थे कि अंकल आप पतंग दूर उड़ा करके दिखाओ और उस पर क्या है अपनी चरखी से जो है पूरे पतंग को आपने उतार करके दिखाओ लपेट करके. तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं, इसमें हम पतंग को काफ़ी दूर उड़ा देंगे और उड़ाने के बाद जो है चरखी से लपेट करके दिखाएंगे कि पतंग को चरखी से कैसे उतारें, ये टॉपिक है आज की. तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट जो है हम पतंग को उड़ाते हैं और उड़ा करके आप लोगों को दिखाते हैं. पहले पतंग को हम उड़ा दें, फिर उसके बाद जो चरखी से लपेट करके हम आपको दिखाएंगे इसको. फ्रेंड्स, हवा आज बिल्कुल भी नहीं है और बहुत कम हवा है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो को बनाएंगे. आप देख सकते हैं. और पतंग फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ये पतंग कोलकाता की है और बहुत पुरानी पतंग है फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा पुरानी है. और ये प्रवासदा का हाथ का बना हुआ पतंग है, कोलकाता के प्रवासदा हैं, उनके हाथ का बना हुआ है, 24 परगना के रहने वाले, कोलकाता के प्रवासदा के हाथ का बना हुआ पतंग है. बहुत ही अच्छा पतंग है फ्रेंड्स. देखिए, मेरे पास कोलकाता की बहुत पुरानी पुरानी पतंगें हैं अभी भी. मास्टरदा के हाथ की भी बनी हुई पतंग मेरे पास रखी हुई है, प्रवासदा की भी है और मेरे पास तीन कोड़ीदा की भी है, विलियम्स की है, काफ़ी पुरानी पुरानी पतंग की मेरे पास है. आज भी मैंने इन पतंगों को संभाल करके रखा हुआ है. इतने कम हवा में भी फ्रेंड्स देखिए कितना दूर उड़ के फटाफट पहुंच गया. यही एक अच्छे कारीगर के हाथ की बनी हुई पतंग की निशानी होती है. और प्रवासदा तो कोलकाता के काफ़ी फेमस है. कनाईदा की हाथ की भी पतंग मेरे पास है, कनाईदा के हाथ की बनी हुई है, प्रवासदा के हाथ की भी है और आपका तीन कोड़ीदा के भी हाथ की पतंग मेरे पास है. तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे पास कितनी पुरानी पुरानी पतंग है फ्रेंड्स. ये पतंग अभी भी चलती चली जा रही है और देखिए अब डोर भी ले रही है. जबकि आप इस झंडे को देखिए फ्रेंड्स, ये झंडे को देखिए, झंडा जो है बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है, बिल्कुल स्टैंड स्टिल है. लेकिन पतंग देखिए कितनी जल्दी से चली गई और ये बहुत ही अच्छे कारीगर की पतंग है. जब ये इतनी जल्दी चली जा रही है फ्रेंड्स, ये आपको जूम करके दिखाया जा रहा तो इस करके आपको लग रहा है पास है. ये आपका ऑलमोस्ट जो है 300 मीटर के आसपास पहुंच चुका है. जब 300 मीटर पूरा हो जाएगा और आप लोग सोचते हैं कि मेरे को, मैं तो इंची टेप लेकर तो उड़ नहीं रहा हूँ कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये 300 मीटर हुआ है कि नहीं हुआ है. पर फ्रेंड्स, एक एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और मेरे को काफ़ी लंबे समय से मैंने क्लब काइट फाइटिंग करी है तो हम लोगों को जो है काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है इन सब चीज़ों में. और जितना आप प्रैक्टिस करते हैं आप उतना ही ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाता है हर फील्ड के अंदर. तो चलिए फ्रेंड्स, ये 300 मीटर अब 300 मीटर क्रॉस कर चुका है फ्रेंड्स, 300 मीटर क्रॉस कर चुका है. इतने कम हवा में भी फ्रेंड्स देखिए ये पतंग, अब मैं इसको लपेटना शुरू करता हूँ फ्रेंड्स. मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि इसको जब मैं लपेटूँ तो मेरे हाथ की तरफ दिखाए. देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे को पतंग को आसमान से उतारनी पड़ती है तो हम इस पोजीशन पे अपने हाथ से पकड़ते हैं. ये देखिए यहाँ पे ऐसे रखते हैं और इसके जो है चक्कों को जो है हम इस तरह से घुमाएंगे. ये देखिए, इसको जो है हम यहाँ पे लाएंगे, अपनी उंगली को पीछे की तरफ लाएंगे और इस चक्र के ऊपर रखेंगे. ये जो चक्कर है इसको हम ऐसे करके दोनों ही हाथ से, इस हाथ से भी, इस हाथ से भी, यानी ऐसे रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे. यहाँ पे हम चरखी की डंडी को रखेंगे और इस तरह से रोटेट करेंगे. ये देखिए, ये रोटेट कर रहे हैं हम, ये देखिए रोटेट कर रहे हैं और चरखी लपेटती जा रही है. ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपनी, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि इस पोजीशन से आके दिखाए तो फिर ज़्यादा अच्छा दिखेगा. मैंने कैमरामैन को बोला, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, वो इस साइड पे आ गया है. यहाँ से आपको जो है चक्कर पूरा दिखेगा. तो देखिए, जो ये चरखी का जो ये डंडी है, डंडी के ऊपर मैंने इस तरह से अपने हाथ के ऊपर डंडी को रखा है और रखने के बाद क्या है, दोनों तरफ इधर भी ऐसे रखा है. फिर हम अपनी उंगली को रोटेट करेंगे ऐसे. देखिए, ये देखिए उंगली को रोटेट कर रहे हैं और फटाफट ये लपेटती चली जा रही है. मेरे काफ़ी सारे जो हैं सब्सक्राइबर्स इस बात का डिमांड कर रहे थे कि मैं चरखी से पतंग को उतार करके दिखाऊं और इससे क्या होता है कि आपका मांझा वगैरह पतंग फटाफट उतरती चली जा रही है.
फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से इसको लगातार हम रोटेट करते जा रहे हैं और पतंग जो है हमारी नज़दीक आती चली जा रही है। और आप इस तरह से भी इसको, कम हवा हो या मीडियम पतंग हो, तो आप इस तरह से भी आप लपेट सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि जो न्यू कमर होते हैं, जो नए लड़के होते हैं, जो पतंग उड़ाना भी जिन्होंने जस्ट चालू किया है, तो वो जब इस तरह से करते हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स छाला पड़ जाता है, यहाँ पे छाला पड़ जाता है। और छाला पड़ने से क्या होता है कि वो उनको थोड़ा सा दर्द वगैरह होता है, लेकिन छाला पड़ना अच्छी बात होती है फ्रेंड्स, इससे आपकी हाथ मजबूत होती है, ये सारी उंगलियाँ, ये सब कलाई वगैरह, ये सब मजबूत होता है फ्रेंड्स जब हम इस तरह से रोटेट करते हैं इसको। तो लेकिन अगर आपको कभी ज़्यादा ही छाला पड़ने लग जाए, तो आप इस तरह से दो नलकी लीजिएगा, ये प्लास्टिक की है, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की नलकियां हैं। और इन प्लास्टिक की नलकियों को मैं अब यहाँ पे पहना देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे पहना दिया और इधर वाले को भी पहना दिया। तो अब क्या है कि ये नलकी पे आप, ये रुकी रहेगी और ये लपेटता रहेगा, आपके हाथ में छाला नहीं पड़ेगा। ये जितने भी क्लब काइट फाइटर्स हैं इस तरह से करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इससे लपेट रहा हूँ। और अगर आपको अपना हाथ मजबूत बनाना है तो फिर आप नलकी का इस्तेमाल मत करिए, आप इसी तरह से ही लपेटिए। इस तरह से थोड़ा सा जो है, हम लोग का हाथ बहुत मजबूत हो चुका है, अब इसमें छाला वगैरह नहीं पड़ता। और ये देखिए पतंग किस तरह से जल्दी से नज़दीक आ रही है। मैं बोलूँगा कि पतंग को भी दिखाए कैमरामैन को। ये देखिए इस तरह से जो है, और चरखी जितनी भारी होती है फ्रेंड्स, उतना ही जल्दी ये लपेट जाता है। अगेन मैं ऐसे शुरू कर दिया। और पतंग देखिए पास आप ही चली जा रही है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेरे को पतंग जल्दी उतारना पड़ रहा है, क्योंकि ये पतंग मेरे पतंग को काटने आ रही है। अभी ये देखिए ये पतंग काटने आ गई, मेरी पतंग फ्रेंड्स सदी से उड़ रही है, तो इसलिए मेरे को फटाफट उतारना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाएंगे, थोड़ी सी भी देर हो जाएगी, तो आपकी पतंग को कोई ना कोई पतंग काट देगा। ये देखिए आ गया फटाफट, ओह माय गॉड, वो दिखाओ। अब मैं ये चरखे, अब पतंग अपनी बचानी पड़ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए एकदम सर के ऊपर आ गया लड़ाने के लिए। और ये चील काट वाली पतंग कोई है, क्लब काइट फाइटर की ही है फ्रेंड्स। अब मेरे को अपनी पतंग बचानी पड़ रही है, देखिए नीचे ला करके उतार रहा हूँ मैं। यहाँ पे फ्रेंड्स यही प्रॉब्लम है, आप सदी से जैसे ही उड़ाते हैं कोई ना कोई पतंग काटने के लिए आ जाता है। वो तेज़ी से उतार रहा है, मैं भी ये देखिए फ्रेंड्स अब पतंग मेरी उतरने वाली हो गई है, बिल्कुल नज़दीक आ गई है। तो ये देखिए कितना नीचे लाके काटने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एकदम अपनी पतंग डाउन कर ली, लेकिन फिर भी देखिए चक्कर पे लगा हुआ है, किसी तरह से हाथ से खींच जाए। लेकिन मैं भी एक्सपर्ट हूँ, मैं अपनी पतंग नहीं कटने दूंगा। और वो नीचे करेगा उससे पहले ही मैं, ये देखिए फिर भी कोशिश कर रहा है पूरा एकदम। तो कह रहा है लड़ाओ लड़ाओ, अरे मेरी सदी से उड़ रही है भाई, मैं कैसे लड़ा लूँ, जब मांझे से उड़ाऊँगा कभी फिर लड़ाऊँगा आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने उतार ली पतंग अपनी, ये मेरी चरखी पे सारी डोर लपेट गई। तो फ्रेंड्स जिन जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने आज उनका जो फरमाइश पूरा कर दिया। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल का नाम है काइट फ्लायर्स फॉर मेन गोल्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब ये वीडियो मैं बंद करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।